बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ मुनव्वर इकबाल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, एंड आई एम टीचिंग ऑन स्कोप CSS क्लब सिंस 2021। मेरे 3 सेशन यहाँ से होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का, इस्लामिक हिस्ट्री का और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का। तो ये 3 सेशन मेरे यहाँ इस स्कोप CSS के प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये ज़रा मुझे कंफर्म करें कि सबको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा। इट्स ओके। अच्छा, आज की हमारी ये क्लास हाउ टू सॉल्व इस्लामिक स्टडीज पेपर्स तो इस सिलसिले में है। तो आज की इस क्लास का कुछ पैटर्न यू है कि इसमें हम इस क्लास के 3 सेक्शंस होंगे। और इंशाल्लाह इस क्लास के एंड पे आप बहुत कुछ लर्न करेंगे कि आपने कैसे हाउ टू क्रैक इस्लामिक स्टडीज़। तो इसके फर्स्ट सेशन में सबसे पहले हम सेलेबस के ऊपर बात करते हैं, ताकि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को यहीं सेलेबस को जिस वक्त हम डिकम्पोज करेंगे और उसको हम देखेंगे कि किस तरह इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स जो है उनको मिलाकर आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेलेबस के ऊपर बात करते हैं, राइट। अगर आप इसके फर्स्ट सेक्शन में हम सेलेबस पे बात करेंगे, सेकंड सेक्शन जो है उसमें हम अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये सेशन जो है वो लास्ट पे होगा। सबसे पहले आप ये इसको गौर से सुने, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं देन आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपका सेलेबस देखा जाए तो उसके चैप्टर्स टोटल जो हैं वो 7 चैप्टर्स हैं, और इन 7 चैप्टर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इसके डिवीजन जो है वो हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ज़रा सिलेक्टिव स्टडी करें, तो ये फर्स्ट पार्ट अगर वो इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उनके 3 क्वेश्चन जो है ये श्योर है। यानी मैं 4 नहीं कहता, लेकिन 3 क्वेश्चन उनके इस सेक्शन में जो है वो श्योर हैं। अब ये सेक्शन जो है वो कौन सा है, इस सेक्शन में हम 3 चैप्टर्स रखेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7। अब ये तीनों चैप्टर्स मैंने इस सेक्शन में क्यों रखे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सेक्शन प्योरली इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स या इस्लामिक टीचिंग्स जो है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ये वाला जो चैप्टर, ये सॉरी सेक्शन जो है। अब इसमें जो चैप्टर 1 है, अब इसकी मैं फर्दर डिटेल में जाता हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, प्लस इसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, एक ये क्वेश्चन, या इसको आप इसका पार्ट ए कह लें। इसका पार्ट बी बिलीफ सेक्शन है, ठीक है, या बिलीफ सिस्टम। इसमें अकीदा तौहीद, रिसालत और अकीदा आखरत, ये अगर आप 3 अकायद कर लेते हैं, और अकायद को करने का तरीका कार ये है कि आप कोई भी अकीदा है तो उसका इन डिटेल उस कॉन्सेप्ट को बयान करें, और दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है
वो इसके इम्पैक्ट हैं ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड कलेक्टिव लाइफ। अच्छा, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है प्रैक्टिकल डिवोशंस के हवाले से। प्रैक्टिकल डिवोशंस यानी इबादत का ये सेक्शन है, और इबादत में खसूसन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये चार इबादत। तो ये टोटल आपके 8 टॉपिक्स यहाँ बन रहे हैं इस चैप्टर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आपने करना है। अच्छा, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है ये ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है जी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी लाजमी आता है ह्यूमन राइट्स का। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, या तो आपसे ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वीमेन राइट्स के हवाले से पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़रा ट्रिकी है वीमेन राइट्स के हवाले से। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखें तो इसमें उन्होंने डॉटर्स के हकूक के ऊपर बात की, डॉटर्स। लेकिन अब आपने ये माइंड के किसी भी गोशे में आपने ये बात बिठा लेनी है कि मे भी अब वो पूछ ले कि जो मदर्स के राइट्स हैं इस्लाम में उनके ऊपर आप डिटेल नोट लिखें, या फिर वाइफ्स, बीवियों के हकूक। तो ये 3 इसके सेक्शन बना लें, क्योंकि तो पहले सिंपल क्वेश्चन आता था कि वीमेन राइट्स के ऊपर बात करें, अब उसने इसको कैटेगराइज कर लिया है और हमें ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें डॉटर्स या मदर्स या वाइफ्स इस तरह करके आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अच्छा, फिर इसी में नॉन मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शंस को आपने प्योरली जो कुरान और हदीस के जो रेफरेंसेस हैं उनकी मदद से आपने लाजमी इनको करना है। यहाँ इन 3 जो मैंने फर्स्ट आपको सेक्शन बताया है, तो इसमें ज़्यादा रेफरेंसेस आपने कुरान और हदीस के जो है आपने इसमें डालने हैं। बाकी फिर जो बाकी हमारे 4 चैप्टर्स हैं उसकी हम अलग से रेफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, इसी में चैप्टर नंबर 7 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है चैप्टर नंबर 7 से। अब चैप्टर नंबर 7 इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, अब इसमें टॉपिक कौन से हैं, या तो सोशो इकोनॉमिक के ऊपर पूछ लेंगे, या फिर जो है वो जुडिशियल सिस्टम पे पूछ लेंगे, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर पूछ सकते हैं। लेकिन अब जो पास्ट पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करें तो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं आए हुए। इसको रिलेट किया गया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसको कंटेक्चुअलाइज किया गया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल कि अगर वो सोशल सिस्टम इस्लाम का पूछ रहा है तो वो इस एंगल से पूछ रहा है कि अगर जो यानी इस्लाम का जो सोशल सिस्टम है, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करके हम पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको मोर टॉलरेंट बना सकते हैं, या उसको ज़्यादा यानी आप कह लें कि उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कैसे रिफॉर्मेशन कह सकते हैं, या उसकी को एग्जिस्टेंस की तरफ उसको कैसे ला सकते हैं, या इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे हम कैसे अपने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये क्वेश्चन सिंपल नहीं आएंगे, बल्कि कोई ना कोई उसको कंटेक्चुअलाइज कर देंगे, पाकिस्तान के रेफरेंस से पूछ सकते हैं, या कोई और ओवरऑल जो है वो दुनिया के कैपिटलिज्म के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है और जो मौजूदा कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म के अंदर अगर रिफॉर्म्स हमने करनी है तो उसमें इस्लाम हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो ये बेटे 3 चैप्टर्स हैं, इनके मैक्सिमम जो है वो टॉपिक्स 15 या 16 टॉपिक्स बनते हैं। तो ये अगर आप सेक्शन कर लेते हैं तो आपका 70% आपका पेपर हो जाता है। अब जो लोग शॉर्ट एक वे तलाश कर रहे हैं तो पास्ट पेपर्स को, ये जो मेरी बात है इसको आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप पास्ट पेपर सामने रखें,
और इन तीन चैप्टर्स के टॉपिक रखें तो फिर आप मेरी बात को आप बेहतर तरीके से समझ सकते। अब इसका जो पार्ट टू है, ये तो पार्ट वन था, अब जो पार्ट टू है इसमें मैंने दो चैप्टर्स रखे हैं, चैप्टर नंबर वन सॉरी चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर सिक्स। अब ये रखने का क्या मकसद है, ये दोनों चैप्टर इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से हैं, यानी ये वो चैप्टर्स हैं जहां पे आपको कुरान और हदीस से मिनिमम रेफरेंसेस देने होंगे, और जो इस्लामिक हिस्ट्री है वहां से आपको ज्यादा रेफरेंस। जब मैं इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ रेफरेंस की, तो आपको जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके रेफरेंस, फॉर एग्जांपल कि सैयद अमीर अली, उनकी किताब है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, उन्होंने भी उसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो इस्लामिक हिस्ट्री पे बेस्ड है, वहां से आप हवाले दे सकते हैं। फिर इसी तरह खुर्शीद अहमद से आप हवाले दे सकते हैं, डॉक्टर हमीदुल्ला साहब से आप हवाले दे सकते हैं, या फिर इस्लामिक हिस्ट्री जो है विलियम म्यूर की जो किताब है वहाँ से हवाले दे सकते हैं, पी के हिटी की किताब हिस्ट्री ऑफ अरब से हवाले दे सकते हैं। तो ये इस्लामिक हिस्ट्री का सेक्शन है। अब इसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर टू ये प्योरली जो सीरा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके ऊपर ये चैप्टर है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रोल एज अ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी एज अ रोल मॉडल फॉर डिप्लोमेट्स, फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर, ठीक है। ये तीन टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग की फिलॉसफी है एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपने बतानी है, फिर आपने जो उस दौर में इनोवेशंस की डिप्लोमेसी के अंदर, फॉर एग्जांपल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिटन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, ये एक नई उसमें जो है वो इजाफा था, इनोवेशन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द के जो एम्परर्स थे या जो किंग्स थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे, फॉर एग्जांपल कि जो एम्परर था पर्शिया का या बेजेंटाइन का या जो इजिप्ट का किंग था या जो एबसिनिया का किंग था, तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे। तो ये डिप्लोमेसी के अंदर ये इजाफे थे। अच्छा, फिर एज अ पीस मेकर अगर आप देखें तो अरब की जो सरजमीन जिसको लॉलेसनेस की सरजमीन कहा जाता था, तो वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फॉर्मेशन की, एस्टेब्लिश किया उसको, और एक आईने सरजमीन बे आईन को एक आईन के नीचे ले गया। तो ये और जंगो जदल की जो सूरत हाल थी उसको अमन में बदल दिया। जाहिर बात जब आप आईन की बात करते हैं तो वो फिर लड़ाइयों को ख़त्म करके तो आप आईनी जो तब्दीलियां लेके आते हैं तो उसके थ्रू अपने मामला को रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में दो टॉपिक्स एग्जामिनर के और भी फेवरेट हैं, हालांकि वो आउटलाइन के अंदर नहीं है लेकिन आपने माइंड में रखना है, एक तो चार्टर ऑफ मदीना और दूसरा फेयरवेल सरमन खुतबा हज्जतुल विदा। ये दो टॉपिक आपने जेहन में रखने हैं, और ये भी सिंपल नहीं पूछे जाते। चार्टर ऑफ मदीना को भी लिंक किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि वो पाकिस्तान के साथ लिंक कर देंगे कि पाकिस्तान में जो एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी अगर हम बनाना चाहते हैं जिसमें को एग्जिस्टेंस हो और जिसके अंदर जो है वो टॉलरेंस हो, तो कैसे हम इस डॉक्यूमेंट से इस्तेफादा कर सकते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो एक स्टेट कायम की तो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको अकोमोडेट करता था और उनको जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो देता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज्यूज़ के साथ ये मुआहदा किया तो उसमें उनको मजहबी आज़ादी दी गई, ना सिर्फ मजहबी आज़ादी दी गई बल्कि उनके जो फैसले थे अदालती फैसले वो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक जो है वो होते थे। सो ये आपने जहन में रखना है कि ये चार्टर ऑफ मदीना और फेयरवेल सरमन जो है ये सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे बल्कि किसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसी को एक्सटेंड करते हुए, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के हवाले से ये चैप्टर है, अब जो सेकंड चैप्टर है जिसको हम चैप्टर नंबर सिक्स कहेंगे, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये खुलफाए राशिदीन का पीरियड है।
ये बेटे आप ये इसके ऊपर लाइन ना लगाएं, खुलफाए राशिदीन का ये पीरियड है, ठीक है जी। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? खुलफाए राशिदीन का जो पीरियड है या चैप्टर नंबर जो 6 है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है। इसमें खुलफाए राशिदीन के दौर में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्पिरिट क्या थी, यानी डेमोक्रेटिक थी या मोनार्किकल स्पिरिट थी, इस एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसी में गुड गवर्नेंस के हवाले से पूछा जा सकता है कि इस्लाम में गुड गवर्नेंस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं या इस्लाम गुड गवर्नेंस के कौन से उसूल हमें देता है। फिर इसी में आप सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास पेपर्स में अगर आप देखें तो ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर इसके साथ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। ये दो चैप्टर्स हैं, इनको आप सेकंड पे रख सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन आप कर लें, ये सेकंड सेक्शन कर लें, तो आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये श्योर है, ठीक है ना। यानी आपने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं दोनों सेक्शंस को मिला के, तो ये लाजमन आपके 4 क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। अब रह गया पार्ट 3, लेकिन आपने ये रिस्क नहीं लेना, आपने ये, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, पूरे सेट बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको, यानी मेंटली आप क्लियर हों कि पहले कौन सा सेक्शन आपने करना है, फिर आपके पास टाइम बचता है तो फिर सेकंड सेक्शन कर लें, मजीद टाइम बचता है तो फिर थर्ड सेक्शन कर लें। पहला सेक्शन ज़्यादा आपका मजबूत हो, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर तीनों सेक्शंस को आप इक्वली ट्रीट करें। अब पार्ट 3, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तो इस्लामिक सिविलाइजेशन के हवाले से है, यानी इस्लामिक सिविलाइजेशन को आपने 2 तरह देखना है। ये बेटे रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुन लेना। इस्लामिक सिविलाइजेशन को आपने 2 तरह ट्रीट, एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो इसको अदर सिविलाइजेशन से प्रामिनेट करती हैं, एक क्वेश्चन इस एंगल से आएगा। दूसरा इस एंगल से क्वेश्चन आएगा कि इस्लामिक सिविलाइजेशन ने जो इम्पैक्ट्स डाले वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर या वाइस वर्सा, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन वेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो एक इस कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक सिविलाइजेशन को पूछा जाएगा कि जो इस्लाम की तहजीब है ड्यूरिंग क्रूसेड्स, उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया और उसके ऊपर कैसे अपनी इल्मी अथॉरिटी जो है उसको कैसे एस्टेब्लिश किया, और उनका जो नॉलेज सिस्टम है उसमें हमें मुसलमानों के नॉलेज सिस्टम के कैसे हवाले मिलते हैं, या कैसे अल कानून फी तिब यानी बाइबल ऑफ मेडिसन एक लंबे अरसे तक यूरोप की दरसगाहों में ये बतौर टेक्स्ट बुक किताबें पढ़ाई जाती रहीं। तो ये वो हवाला है, उस तरह आपने इसको डील करना है। अब जो चैप्टर नंबर 5 है, ये कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के हवाले से है, ठीक है, या इसको आप करंट इवेंट्स कह लें या करंट अफेयर्स कह लें या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कह लें, जिसमें एक तो इस्लामिक सिविलाइजेशन या मुस्लिम वर्ल्ड को जो चैलेंजेस हैं, अब उन चैलेंजेस को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक चैलेंज जो है वो एक्सट्रीमिज्म का है या फंडामेंटलिज्म का है, चैलेंज टेररिज्म का चैलेंज है, इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से चैलेंज है, इस्लामोफोबिया इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो भी पूछी जा सकती है आपसे कि या क्या ये मिथ है या रियलिटी है, उसको आपने प्रूव करना है इस्लामोफोबिया के हवाले से, या फिर वर्ल्ड लेवल पे, या फिर इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है कि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की जो असबाब हैं वो क्या हैं, उसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेटे 7 चैप्टर्स को मैंने एनालाइज किया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपने जेहन में रखनी है कि
जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है ना, जब आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो साथ वो साइड बाय साइड कुछ और क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि तज़किया नफ्स, इसके ऊपर आप एक डिटेल नोट लिखें, या वो दो टॉपिक्स को मिला के तज़किया नफ्स प्लस एहसान, पास पेपर्स में इस एंगल से भी उसने पूछा हुआ है, तज़किया नफ्स और एहसान इन दो के ऊपर नोट लिखें। तो वैसे तो ये पार्ट्स हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स के, उसी के अंदर डिस्कस होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसको अलग से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये है अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है, इसमें हमने सेलेबस की डिवीजन की है और हमने ये देखा है कि हम किस तरह उसके पार्ट्स बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को कैसे हम डील करेंगे, सेकंड को कैसे डील करेंगे, थर्ड को कैसे डील करेंगे, और उसमें कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपने, मैंने ये आपके सामने जो है वो एक पैटर्न आपको बना के दिया है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर है। अब आपने क्वेश्चन की, यानी आपने इस्लामिक स्टडीज की प्रिपरेशन कर ली, अब आपका ये मरहला आता है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपने जिस मटेरियल को तैयार किया है इतनी मेहनत से, उसकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है, क्योंकि इसी बात के ऊपर आपको मार्क्स मिलने हैं। अगर आप अच्छा मटेरियल तैयार किया हुआ है लेकिन आपने एग्जामिनर के सामने उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो देन फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे आपने देनी है, कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने क्रिटिकल रहना है, कैसे आपने टू द पॉइंट रहना है, कैसे इरेलीवेंट चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, तो इस सेक्शन में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले हम जो आपका जनरल पैटर्न होगा, आंसर का, ठीक है जी, जाहिर बात है आपका एक आंसर है, ये आपके सामने आंसर शीट है। अब आपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहली चीज तो होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ये आप कर लें तो फिर बाकी आंसर को अरेंज करना, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, आंसर को अरेंज करना, ये बड़ी मीनिंगफुल है। आपने अपना आंसर अरेंज करना होता है, आपके पास बना बनाया आंसर किसी के पास भी नहीं होता। पहली चीज जो आपने देखनी है वो क्वेश्चन को आपने 3-4 मरतबा पढ़ने के बाद आपने देखना है कि इसमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। जब आप इस बात को समझने के काबिल हो जाएंगे तो देन फिर आप अपना आंसर बिल्कुल इजीली उसको अरेंज कर पाएंगे। अब आंसर अरेंज करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहला पार्ट आपके आंसर का इंट्रोडक्शन होता है, और जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है वो भी इंट्रोडक्शन होता है। एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन की चंद लाइनें पढ़ने के बाद वो इवेल्यूएट कर लेता है आपका पूरा आंसर, और वो आपके बारे में एक राय डिटरमिन करने के काबिल हो जाता है। आपका अगर इंट्रोडक्शन बड़ा जानदार होगा और बड़ा मीनिंगफुल होगा, तो फिर एग्जामिनर आपका फर्दर क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा पढ़ेगा और उसकी एक राय बन जाएगी आपके बारे में पॉजिटिव। अब इंट्रोडक्शन में आपने करना क्या है, इंट्रोडक्शन में आपने अपनी पोजीशन लेनी, ठीक है, पोजीशन लेने का मतलब आपने आर्गुमेंट डेवलप करना। अब आर्गुमेंट डेवलप करने के मजीद आगे पार्ट्स हैं कि आप आर्गुमेंट कैसे डेवलप करते हैं, उसमें आप पहले एक क्लेम करते हैं और फिर जो है वो आप सब क्लेम्स या जिनको आप प्रेमिसेस कहते हैं, तो ये आपने करने, पहले आपका जो क्लेम है असल में वही आपका आंसर है। अगर वो आपसे पूछता है कि इस्लाम औरतों को ज़्यादा हकूक देता है लेकिन फेमिनिस्ट इस बात का प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम औरतों को हकूक नहीं देता, ये एक आपका आर्गुमेंट कैसे डेवलप होगा कि आप शुरू से ये बात बता देंगे कि जो फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है वो बेसलेस है और इस्लाम औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक देता है, जो इस्लाम से पहले किसी और मजहब ने इस कदर या किसी और तहजीब ने इस कदर औरतों को हकूक नहीं दी। ये अब आपने क्लेम तो कर लिया है, अब आपने इसको साबित भी करना है।
तो जो अगला पार्ट है इंट्रोडक्शन में, ये सारी बातें आपने क्लेम कर ली, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होता है जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं। अब इस मेन बॉडी के अंदर आपने सपोर्टिंग डिटेल देनी, ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स 1, 2, 3 जितनी भी आप देनी है, या इसको आप आउटलाइन पहले बना लें तो आप एक एक आउटलाइन लिखते जाएं, ये सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। सपोर्टिंग डिटेल में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल नहीं होना चाहिए, राइट। आपका जो सपोर्टिंग डिटेल में जो आपका स्टाइल होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन प्लस एनालिसिस साथ साथ चलें, साथ आप एनालाइज भी करते जाएं चीजों को, क्रिटिकली आप चीजों को देखते जाएं। एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होता है जिसमें आप चीजों को बयान कर देते हैं, तो वो भी कोई खास इतना मुतासर कुन नहीं होता। ये एमसीक्यूज का सेशन भी आ रहा है, ये नेक्स्ट हम ये सैटरडे या संडे को हमारी वर्कशॉप आ रही है 2 आवर्स की। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होना चाहिए आपका, ये आंसर। अच्छा, इसमें जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपने जो पोजीशन ली थी, आपने इस पूरी मेन बॉडी में उसको साबित करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे ये बात कह दी कि इस्लाम औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक देता है, आगे चल के आप डिस्कशन शुरू कर दें कि जी इस्लाम तो औरतों को एक्सप्लॉइट करता है, तो फिर आपका जो आर्गूमेंट है वो गलत हो जाएगा। आपने सपोर्टिंग डिटेल उसी तरह देनी है जहां से आपने आर्गुमेंट का स्टार्ट लिया। या तो आप शुरू में ही अपनी पोजीशन ले लें कि आपकी पोजीशन फेमिनिज्म के साथ है, ये मैं जस्ट क्या है कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे, आप फेमिनिज्म के साथ अपनी पोजीशन लेके तो फिर आप तनकीदी नुक्ता नजर से आप पॉइंट आउट करें कि इस्लाम जो है वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है, ये आपका अपना आर्गूमेंट होगा, उसको फिर आपको प्रूव करना होगा। अच्छा जी, इसका जो तीसरा पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इसकी जो मेन बॉडी जिसके अंदर आप सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे, अब ये आपकी जो पूरी डिस्कशन है इसको आपने सम अप भी करना है, सम अप करना है, या फिर इसको आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी कहेंगे। ये आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि इतनी डिस्कशन के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे। तो ये तीन पार्ट्स आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि पेपर को अटेम्प्ट करने के, ये तीन पार्ट, इसमें और कोई चौथा पार्ट नहीं। अगर आप क्रिटिकल जो इवेल्युएशन है वो करते हैं तो वो भी आपने मेन बॉडी के अंदर ही करनी है, यानी जैसे मैंने ये आपको एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों का बताया है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, अच्छा इसमें मैंने एक टिप लिखी है कि इट इज़ बेटर टू मेक आउटलाइन बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी रफ पेज, कोई एक साइड उसकी रफ बना लें अपनी आंसर शीट की, तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी पहले आउटलाइन बना लें। जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, उसका आंसर लिख रहे होंगे, तो मजीद पॉइंट आपके सामने आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो वो उन आउटलाइन के अंदर मजीद उनको ऐड करते जाएं। यानी अगर आपने 8 पॉइंट लिखे हैं आउटलाइन में, तो जब आंसर लिख रहे हैं तो 2-3 पॉइंट्स आपको मजीद माइंड में आ जाएंगे, तो उनको भी साथ लिख लें, तो आपके 11 पॉइंट्स की आपकी आउटलाइन बन जाएगी। तो ये इनफ है, 10 से 11 पॉइंट इनफ होते हैं। जब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वो 6 से 7 पेजेस का आपका मटेरियल बन जाता है, और उसको नंबरों को आपने डिवाइड कर लेना, आपके 2 नंबर इंट्रोडक्शन के, 2 कंक्लूजन के, या 3 इंट्रोडक्शन के, 3 कंक्लूजन के, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर। अच्छा जी, उसके बाद है जी सेकंड इसका पार्ट। पहले पार्ट में, यानी जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है, इसके पहले पार्ट में मैंने जनरल पैटर्न ऑफ योर आंसर शीट या आंसर्स, ये मैंने दिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में नेचर ऑफ क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। बाज तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, मसलन अकीदा तौहीद, ये क्या है, इससे क्या मुराद है, और इसके असरात, ठीक है जी, अकीदा तौहीद और उसके असरात।
अकीदा आखिरत और उसके असरात। असरात में दो चीज़ें वो पूछ लेते हैं, या तो इनफरादी होते हैं या फिर इज्तिमाई होते हैं, यानी मुआशरे के ऊपर जो असरात होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, या हज के ऊपर पूछ लेंगे कि हज के अरकीन कौन से, हज के मनासे कौन से, या नमाज के ऊपर पूछ लेंगे कि नमाज की अकसाम क्या हैं, वेरियस कैटेगरीज ऑफ नमाज, या नमाज के इम्पेक्ट्स क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो जो है वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, या इसको ट्विस्टेड स्टेट्स में स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। इनके अंदर जो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि चार्टर ऑफ मदीना फॉर एग्जांपल, के इसको वो कह सकते हैं कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट था कि जिसकी जो स्पिरिट थी वो डेमोक्रेटिक थी, इसको आप प्रूव करें, ठीक है। यानी ये जो चार्टर ऑफ मदीना है इसकी स्पिरिट डेमोक्रेटिक थी, इसको आप जो है वो एनालाइज करें। अब ये ट्विस्टेड स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। अब आपको इसको क्रिटिकली देखना होगा, उसकी एक एक क्लास को आपको देखना होगा कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट कैसे थी, कि इसके अंदर को एग्जिस्टेंस भी थी, जो माइनॉरिटीज थी उनको रिलीजियस राइट्स भी दिए गए थे, इसके अंदर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया कि जिसमें मुख्तलिफ जो फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे या स्टेट थे उन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वगैरह वो उसके अंदर बयान। ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती हैं कि जिसका आपको आंसर करना होता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार करने, यानी जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी, और जो इस तरह की ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 या 10 मरतबा भी अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप कोशिश करें कि उसका मतलब और मफहूम आप समझने की कोशिश करें, ताकि आपको उसका आंसर करना जो है वो आसान हो जाए। अच्छा जी, लास्ट जो सेक्शन है आज की हमारी इस प्रेजेंटेशन का, वो है रेफरेंसेस, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब रेफरेंसेस को भी हम अपनी आसानी के लिए दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी जो रेफरेंसेस की है वो अरबिक रेफरेंसेस है, जिसके अंदर फर्दर कुरान है, हदीस है, यहाँ से आप हवाले देते हैं, या फिर आप इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस फिक्स से हवाले देते हैं के फलां इमाम साहब ने ये बात की, ठीक है ना, फलां इमाम साहब की इसके बारे में ये राय है, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस तो ये होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एराब नहीं लगाने आपने अरबी के रेफरेंसेस के ऊपर, एराब के बगैर आपने इबारत लिखनी है और उसको ठीक लिखना है। यानी अगर आप कुरान पाक की कोई आयत लिख रहे हैं तो आपको इतनी गुंजाइश दी गई है कि आप एराब के बगैर उसको लिख लें, लेकिन उसको ठीक लिखें, उसके अंदर किसी भी लफ्ज को जो है वो छोड़े ना। अगर एराब लगा देते हैं तो ये तो फिर बेस्ट हो जाता है ना, ये तो फिर बहुत ज्यादा बेहतर होता है ना, कि मसलन मैं ये लिखता हूं कि लकद खलकनल इंसाना, अब अगर मैंने इस तरह लिख दिया तो ये तो बेस्ट हो गया ना, लकद खलकनल इंसान। लेकिन जो लोग मसलन ये नहीं जानते कि लाम के ऊपर जबर है या क्या है, तो आप लोगों ने इस तरह जो है वो अरबी के रेफरेंस देने हैं। अब दूसरी बात कि बाज़ स्टूडेंट्स लंबी लंबी आयात को मेमोराइज नहीं कर सकते, तो आपने करना क्या है कि जस्ट ये नहीं करना कि मसलन एक रेफरेंस ये चलता है कि मसलन ये आयत नंबर 30 है और ये सूरह चैप्टर नंबर जो है वो इसका 41 है, या सूरत नंबर जो है वो 41 है, ये आयत नंबर, इस तरह का रेफरेंस बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे अभी आपने ये जिक्र किया ना कि आप ट्रांसलेशन दे देते हैं जस्ट, तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला रेफरेंस। आप सिंपल ये करें कि आप ट्रांसलेशन मुकम्मल दे दें, ये उसका रेफरेंस भी दे दें, लेकिन साथ आप कम से कम आधी लाइन जो है वो रेफरेंस की जरूर लिखें। मसलन लकद खलकनल इंसाना, तो आगे ये ऐसे करके लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। अब ये शॉर्ट रेफरेंस है,
एग्जामिनर को ये फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली आयत है, उसका नीचे ये ट्रांसलेशन। वैसे आप ट्रांसलेशन लिख देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, ये रेफरेंस के हवाले से मैंने बात की। अब जो दूसरी टाइप के रेफरेंस है, ये तो मैंने अरबिक रेफरेंसेस की बात की। अब आपको कुछ स्कॉलर्स की स्टेटमेंट्स, वो भी आपको साथ दें। स्कॉलर्स जैसे सैयद मौदूदी साहब ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर हमीदुल्ला साहब की ये राय है मसलन के। जी, बिल्कुल, अहादीस का मतन लिख सकते हैं, अहादीस का मतन आप लिख सकते हैं। उसमें आपको अरबी ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, उसका मतन जस्ट लिख लें, और साथ आप लिखें कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किसकी हदीस है, तो वो आप रेफरेंस साथ दे। अच्छा, जैसे डॉक्टर हमीदुल्ला साहब कहते हैं कि जो इजमा के लिए डॉक्टर साहब की राय है कि एक इस्लामिक काउंसिल बना दी जाए। अब ये जो काउंसिल है, इसमें तमाम दुनिया के जो उलमाए कराम है वो इसमें शामिल हो जाएं, तो कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड को या मुस्लिम उम्मा को कोई भी इशू होता है तो यहाँ पे उसके ऊपर डिबेट हो जाए, और ये सारे उलमा अपन आपस में कंसेंसस डिवेलप कर लें, और इस कंसेंसस को फिर पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो नाफिज कर दिया जाए। अब इस तरह की स्कॉलर्स की जो राय है, या जैसे सैयद अमीर अली इसके बारे में क्या कहते हैं, या मोहम्मद कुतब इसके बारे में क्या कहते हैं, या खुर्शीद अहमद साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, या कोई फॉरेन ऑथर्स जो हैं, जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, के विलियम म्यूर इसके बारे में क्या कहता है, बर्नार्ड ल्यूएस इसके बारे में क्या कहता है, तो इस तरह के स्कॉलर्स जिनका इस्लाम के ऊपर काम है, ये दोनों का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इनका इस्लाम के ऊपर काम है। बर्नार्ड ल्यूएस तो मौजूदा दौर का है, विलियम म्यूर जो है वो पहले दौर का है, जिसके काम को सर सैयद ने भी एड्रेस किया था और उसका जवाब लिखा था खुतबात अहमदिया में। अच्छा जी, ये इस तरह के जो रेफरेंसेज हैं। अब किस किन चीज़ों से, लास्ट में हम ये देखते हैं कि किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। एक तो आपने इरेलीवेंट चीज़ों से, कोई भी आपने इरेलीवेंट रेफरेंस या इरेलीवेंट डिटेल्स जो है वो आपने नहीं देनी, टू द पॉइंट रहना है, और आपने ये जहन में रखना है कि एग्जामिनर आपका जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको इरेलीवेंट चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आधे पेज में, एक पेज में एक बात क्लियर कर दी तो उससे फिर अगले पेज पे चले जाएं और उसमें दूसरी बात कहें, फिर तीसरी बात कहें, ठीक है ना, बजाय कि आप 6 सफ़ों की एक ही बात जो है उसको लटकाते जाएं लटकाते जाएं। तो इरेलीवेंट चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। फिर आपने कलर्ड मार्कर यूज़ करना है, और आपने अपने रेफरेंसेस को प्रमिनेंट करना है, ठीक है। मसलन आप कोई आयत लिखते हैं तो उसको किसी मार्कर से आप हाईलाइट कर दें, ठीक है जी, तो इस तरह करके ताकि वो प्रमिनेंट हो जाए। और बाकी जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मुझसे पूछते हैं अलामा इकबाल के अशआर के हवाले से, तो ये भी इसमें मैं शामिल कर देता हूँ कि अशआर आपने जब भी, फॉर एग्जाम्पल के मसला तकदीर है, तो आप मसला तकदीर को आपने एक्सप्लेन करना है, फेटलिज्म को आपने एक्सप्लेन करना है, तो उसमें जब आप लिखते हैं कि तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद, अब ये ऊपर आपने शेर इसी तरह लिखना है, पेपर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं, शेर इसी तरह लिख के तो उसके बाद नीचे आपने उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है, राइट। तो ये आपका है। अच्छा, लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, तो उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि 22 को आई थिंक आपके जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो 23 से हमारे नेक्स्ट जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरा जो 23 के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेशंस होंगे वो इस्लामिक स्टडीज़ पे ऊपर होगा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 712 से 1947 तक, ठीक है, ये पूरी फ्रीडम मूवमेंट, इसमें सल्तनत का पीरियड, इसमें मुगल्स का पीरियड, ये सारा इसमें, और जो थर्ड स्टार्ट होगा वो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, और खसूसन जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका पेपर 1 जो है उसको ये एड्रेस करता है, पेपर 1 को,
यानी बनू उमैया तक का जो पीरियड है, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा सूटेबल है। तो अब आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आपने सही बताया कि कांटेक्ट कैसे करना है। तो वाहिद साहब का मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है गुलाम वाहिद खान साहब। जीरो डबल थ्री टू 7536343। ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है वाहिद साहब का, आप सेशन के एंड पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो वो मज़ीद अगर आप मुझे ज़रा टाइम दें तो मैं इनको देख लूँ। बेटे एनालिटिकल स्टाइल की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मिलिट्री स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने सिंपल ये तो नहीं कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल मुतारिफ करवाए ये उसूल, आपने उसको किसी रेफरेंस में जब आप बात करते हैं तो फिर क्रिटिकल हो जाती चीज़, एनालिटिकल हो जाती। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जंग के ये उसूल थे या जंग की फिलॉसफी ये थी कि जंग या तो मालो दौलत के लूटने के लिए लड़ी जाती, या फिर किसी ऑनर के लिए या प्राइड के लिए लड़ी जाती, या फिर अरब अपनी इंस्टिंक्ट से मजबूर थे, वो चलते फिरते भी रहते थे, जंगे भी लड़ते रहते थे, यानी शब खून मारते रहते थे। और अब इसमें क्या होता कि वो लोगों को कत्ल कर देते, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते, जानवरों को कत्ल कर देते, खड़ी फसलों को आग लगा देते और उनके दरख्त काट देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की फिलॉसफी को बदल के रख दिया कि अब जंग जो है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए लड़ी जाएगी, किसी दुनियावी जाहो हशम या किसी दुनियावी मनफियत या किसी दुनियावी काज की वजह से अब जंग नहीं लड़ी जाएगी। अब ये जो स्टाइल होता है ये एनालिटिकल होता है। अब एक बात पीछे आपने की, फिर आप दूसरी बात को साथ रिलेट करके तो आपने उसको एनालिसिस के जरिए आपने बता दिया। बेटे अली रजा हाउ टू इनकॉर्पोरेट रेफरेंसेस एंड वर्सेस इन दी बॉडी। आप बॉडी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं, तो औरतों में आपने जो तीन कैटेगरी बना ली कि यहाँ पे बेटियों के हकूक, माँ के हकूक या बीवियों के हकूक, तो जब आप माँ के हकूक की बात कर रहे होंगे तो आप कहेंगे ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जन्नत तख्त अकदामिल उम्महात, एक तो जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। फिर आप इसमें ऐड करेंगे कि कुरान ये कहता है कि वकदा रब्बु का अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन एहसाना, कि आप अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। अब वालिदैन में आपकी वालदा भी आ गई ना, वालिदैन दोनों का जिक्र है। फिर आप ये रेफरेंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैही हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनि वफिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वले वालिदैही, कि हमने इंसान को ये ताकीद की है कि वो अपनी माँ का शुक्र अदा करे, क्योंकि तो उसकी माँ ने उसको जोफ के ऊपर जोफ बर्दाश्त करके तो उसको अपने पेट में रखा। हमला तो हो, ठीक है ना, हमल का मतलब होता है बोझ। तो अब ये देखें कि साथ रेफरेंस ऐड होते जा रहे हैं ना मेन बॉडी के अंदर। आपने रेफरेंस और कहाँ पे, यानी आपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में तो रेफरेंस ऐड नहीं करने ना, आपने मेन बॉडी के अंदर करने। अच्छा जी, ये आपके कुछ मैसेजेस इधर शो हो रहे हैं मोबाइल पे और कुछ उधर लैपटॉप पे, तो मेरे ख्याल में बहुत कम हुए हैं, तो अब मैं इस साइड पे आता हूँ। ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप ना स्टॉप कर दें, थोड़े से क्वेश्चन स्टॉप कर दें तो मैं जितने भी आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे तक टाइम है मेरे पास। उसके बाद ये आईडी जो है वो वाहिद साहब ने कहा है कि किसी और क्लास के लिए है। नहीं, ये आप जो मोहम्मद फरहान आप ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश और उर्दू से आपके एग्जामिनर का कोई तल्लक नहीं है,
मैंने आपको बताया ना कि एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसको इंग्लिश का या उर्दू का ये कोई मसला नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो बेस्ट होना चाहिए और आपका कंटेंट जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए रेफरेंसेस से। कंटेंट को आपने सपोर्ट करना है रेफरेंसेस से, फिर आपकी बात जो है वो पुख्ता हो जाती है। नहीं, आप कोशिश करें, आप देखें अब्दुल अहद, आप रेफरेंस के हवाले जो है उनकी प्रैक्टिस करें ना। ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो कोई 150 आयत और हदीस के आप प्रैक्टिस ना करने से वो आपको याद ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करें जैसे आप इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं। जी बिल्कुल, ये इवेल्युएशन होती है। अब आपका नाम मुझे सही नजर नहीं आ रहा, तो सून मांगी कि क्या आपका नाम है, तो ये मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं इवेल्यूएशन करता हूँ, जो अपकमिंग सेशंस हैं इवेल्यूएशन होती है। ये बेटे मैंने मोमना रजा, मैंने आप मोमना रियाज, मैंने सारा डिटेल्ड कंटेंट आपसे शेयर किया है कि ये सारे एक्सपेक्टेड है। मैंने बिल्कुल सिलेबस आपके लिए आसान कर दिया। जी खान जी, मैंने तो ये कभी कंसल्ट नहीं की सैयद जवाद की या सैयद खालिद की, जो भी है, तो ये मुझे इसके बारे में कोई राय। जी उर्दू में अगर आप उसमें समझ रहे हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है औरंगज़ेब, तो आप उर्दू में उसको जो है वो कर सकते हैं। वैसे ये जो आप तारीख तशरी या फारसी का इस्तेमाल ये करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में भी हो सकता है। कोई भी आपने रेफरेंस देना है, अगर फारसी का वो कोई शेर है या फारसी की कोई वर्स है, जो भी है, तो मसलन शेख सादी की जो वर्सेज हैं या मौलाना रूमी की हैं, तो जो भी आप उसमें देना चाहें तो वो आप ओरिजिनल उसका फारसी का टेक्स्ट उसमें लिखें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो ये तो कोई मसला नहीं है। क्या इसकी वजह से आप इंग्लिश या उर्दू के चक्कर में पड़े? आई थिंक कि आपके मैक्सिमम सवालों के मैंने जवाब दे भी दिए हैं, तो बाकी आपके लिए ये रिकॉर्डिंग है, आप इसको सुन लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नहीं, डॉक्टर इसरार का आप दे सकते हैं, तारिक जमील का तो कोई रेफरेंस नहीं है ना, आप डॉक्टर इसरार का दे सकते हैं, तारिक जमील साहब का तो रेफरेंस नहीं है ना। कोशिश किया करें कि एग्जामिनर ने एक लिस्ट दी हुई है फेडरल पब्लिसर कमीशन की, अगर आप ये आउटलाइन देखें ना, तो लास्ट में उन्होंने कोई 40 के करीब किताबें मेंशन की हैं कि जहाँ से आप जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं। जी इंडो पाक का मेहताब, ये बाद में आप कंसल्ट, वाहिद साहब से मैंने नंबर आपको लिख दिया, तो वाहिद साहब से जो जी किताबें आप अच्छी यही हैं, डॉक्टर हमीदुल्ला साहब की हैं, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम खुर्शीद अहमद की है, या फिर आप हाफिज करीमदास चुगताई की किताब खरीद लें, उसमें ये सारे इनकी किताबों के रेफरेंस दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।